नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जामतारा सीरीज तो आप सबने देखी होगी, वही जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये जामतारा बहुत ही अच्छी एक ऑनलाइन साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड के बारे में जो एक अवेयरनेस फैलाती है, किस तरीके से इसका प्रोसीजर है, उसके ऊपर ये सीरीज है। तो दोस्तों, आइए आज हम जानते हैं कि साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड, क्योंकि साइबर फ्रॉड्स में, साइबर क्राइम में बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं पूरी सारी चीजों को कवर तो अभी नहीं कर रहा, सिर्फ जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं उसके मेनली क्या क्या तरीके हैं, किस तरीके से मॉडस ऑपरेंडी होता है इनका, उसके बाद आप इनसे कैसे बच सकते हैं, और अगर आपके साथ हो गया है तो क्या करें, इन सारी चीजों पर आज हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो साइबर फ्रॉड्स होते हैं उसको कौन कौन से मॉडस ऑपरेंडी, उनके तरीके क्या क्या है। तो सबसे पहला टेक्निकल वर्ड है फिशिंग। आप हिंदी में ऐसे समझिए कि फिशिंग का मतलब ये हुआ, वो कोई भी लिंक जिससे आपकी डिटेल मांगी जाए, जिससे आपके पर्सनल डिटेल मांगे जाए, वो सारी फिशिंग में आएगी। अब इसमें आप चाहे तो कुछ भी ले लो, जैसे आपकी जो मोबाइल प्रोवाइडर कंपनी है, सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, उसका एक मैसेज आया, मतलब उसका मैसेज नहीं होता है, फ्रॉडस्टर का मैसेज होता है कि इस मोबाइल की कंपनी ने ये ऑफर इशू करा है कि आपको ये चीज फ्री में दे रही है, आज स्वतंत्रता दिवस है तो ये फ्री में दे रहे हैं, आज इंडिया मैच जीत गया तो ये आपको 500 का रिचार्ज फ्री में मिल रहा है। वहां आप लिंक पे क्लिक करते हैं, आपको किसी अदर वेबसाइट पे ले जाता है और वहां पे आपकी जानकारी मांग ली जाती है। देखिए, फ्रॉड दो ही तरीके से हो सकता है, या तो आपने अपनी डिटेल किसी के साथ शेयर की या चुरा ली गई, या दूसरा आपने जानबूझ के या जाने अनजाने में पैसे किसी को ट्रांसफर किए। यही दो मेथड हो सकता है। इसमें कई सारे प्रकार आते हैं, जैसे आपको आ गया कि आपको एक लॉटरी लगी है, या फिर आपका कोई कस्टम में माल पड़ा हुआ है, किस तरीके के लुक्रेटिव ऑफर के साथ आपको कोई मैसेज आता है, ईमेल आता है, कोई लिंक आता है, उस पर आप क्लिक करते हैं और उसके बाद आपने अपना पूरी डिटेल दी, तो आपको ये प्रॉब्लम में डाल सकती है। तो इससे बचने के लिए क्या करें, तो उस तरीके के लिंक को आप शेयर ना तो शेयर करें, ना ही उसको ओपन ही ना करें, डिलीट कर दें। अनलेस अंटिल आपको लगता है कि आप बहुत बड़े, मतलब लकी हैं कि आपको ओटीपी लग गई, से मान लीजिए 50 करोड़ की, तो अलग बात है, वो अल्टीमेटली फ्रॉड ही होगा। बट ठीक है, अगर आपको फिर भी वो करना है तो पहले उसकी ऑथेंटिसिटी जांच लें, बट एट योर ओन रिस्क, बिकॉज कभी भी 50 करोड़ या 10 करोड़ या 50 लाख रुपए आपको लॉटरी में नहीं मिलेगी। अगर आपने लॉटरी में मिली है तो आपने कहीं पार्टिसिपेट तो किया होगा, वो पार्टिसिपेशन आपको जांचनी पड़ेगी कि वो पार्टिसिपेशन आपने की है कि नहीं की, ऑथेंटिसिटी चेक आपको करनी पड़ेगी। इसी में टाइप है कि कोई मान लीजिए आपको incometax.com के नाम से कोई मैसेज आ गया, या फिर आप मान लीजिए कि कोई भी एक गवर्नमेंट वेबसाइट थी जिसका आपको नाम तो वही है, जैसे police.delhi.com करके एक आपको ईमेल आ गई, तो ये सारी भी जो चीजें हैं जिसमें आपको डिटेल मांगी गई है, ये सारी चीजें आपको फ्रॉड की तरफ लेके जाएगी। एक और बात, आप जो साइबर कंप्लेन करते हैं, मान लीजिए आपने कंप्लेन करी कि आपके जो गली में स्ट्रे डॉग की प्रॉब्लम है, तो आपने एमसीडी दिल्ली को से मान लीजिए कंप्लेन करी, तो आप उसकी जो ऑथेंटिसिटी है, वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी, यूआरएल अच्छे से वेरीफाई कर ले कि वो कंसर्न डिपार्टमेंट का है या नहीं, अदरवाइज आपको फिर से उधर से एक फ्रॉड का कॉल आएगा ही आएगा। मैं आगे बताता हूँ किस तरीके के फ्रॉड्स होते हैं। दूसरा तरीका है, इसको फिशिंग बोलते हैं। अब ये क्या होता है, तो जैसे फ्रॉडस्टर जो होते हैं वो इम्पोस्टर करेंगे खुद को कि वो इनकम टैक्स के ऑफिसर हैं, या सेल टैक्स के ऑफिसर हैं, या फिर आप मान लीजिए कस्टम के ऑफिसर हैं, या फिर एमसीडी के ऑफिसर हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, बैंकर हैं, तो आपसे क्या मांगेंगे, आपसे बोलेंगे कि केवाईसी आपकी एक्सपायर हो चुकी है, आप अपनी केवाईसी मुझे दीजिए, ओटीपी दीजिए, आपका डेबिट कार्ड ब्लॉक हो चुका है। ये सारे फ्रॉड कॉल है, कभी भी बैंक फोन पे ये सारी डिटेल नहीं मांगती। आपका बैंक का अकाउंट में आधार नंबर लिंक करना, ये सारे कॉल जो है, कभी भी याद रखिए, बैंकर कभी भी आपको फोन पे ये सारी डिटेल नहीं मांगते। आपको बोलेंगे ठीक है ब्रांच में आगे कर लो, वो अलग चीज है, लेकिन आपको कॉल पे ये सारी डिटेल नहीं मांगी जाएगी। आपके डेबिट कार्ड का नंबर क्या है, आपका डेबिट कार्ड ब्लॉक हो चुका है, नया डेबिट कार्ड इश्यू करना है, आपके डेबिट कार्ड पर ट्रांजेक्शन ब्लॉक हो चुके हैं, आपको इसमें ट्रांजेक्शन अलाउ करने के लिए एक ओटीपी आएगी, ये सारे कॉल जो है वो एक तरीके से बैंकर इम्पर्सनेट कर रहे हैं, मतलब कोई अपने आप को बैंकर बता रहा है और वो फ्रॉडस्टर है। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए पुलिस स्टेशन से केस आया कि आप फलाना टाइम में फलानी जगह पे थे, वहां पे एक चोरी हो गई, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रहा है, आप इस अकाउंट में इतने पैसे भेजो, तब हम ये केस बंद कर देंगे, नहीं तो इसको हम आपको आपके अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज करेंगे। इनकम टैक्स का एक आ गया कि आपकी इतनी टैक्स बकाया है, आपके ऊपर असेसमेंट निकला है, आप इसे पे करें,
देखिए जब भी कोई नोटिस आएगी तो उस नोटिस की ऑथेंटिसिटी आप जांच करें। आपको एक मोबाइल पर व्हाट्सएप पर मैसेज आ सकता है कि आपका असेसमेंट हो चुका है, आपको इतने पैसे पे करने हैं। वो सारे के सारे फ्रॉड हैं, अनलेस अंटिल आप उसकी रियलिटी चेक ढंग से ना कर लें। यहां भी दो तरीके से फ्रॉड हो सकते हैं। वो बोलेंगे या तो इतने पैसे ट्रांसफर करो, अदरवाइज आपके अगेंस्ट में कुछ कार्रवाई की जाएगी, या आपसे पूछेंगे कि आपकी सीवीवी नंबर क्या है, ओटीपी क्या है, आप ओटीपी बता दो, मोबाइल नंबर चेंज करने की बता दो, ईमेल आईडी बता दो। तो आपको इन सबसे सतर्क रहना। तो इससे बचने के तरीके, जब भी इस तरीके की कॉल आए आप उसकी ऑथेंटिसिटी जरूर वेरीफाई करें और कभी भी अपने पर्सनल डिटेल किसी भी पर्सन को मत दे, खासकर सीवीवी नंबर, ओटीपी, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर चेंज करने का आधार नंबर, ये सारी चीजें किसी को भी फोन पे ना दे। आप चाहे तो अगर बैंक से कॉल आए तो बैंक में जाके दे दे, अगर किसी पुलिस स्टेशन से कॉल आए तो उसकी ऑथेंटिसिटी जांच कर ले एक बार कम से कम। आजकल तो ट्रू कॉलर ऐप पे, उस पर देख लेंगे कहीं है फ्रॉड तो नहीं। अगर मान लीजिए फिर भी डाउट हो रहा है तो कंसर्न पुलिस स्टेशन में जाके मिल लें। इनकम टैक्स ऑफिसर, पहले आप ये बताओ आपने इनकम टैक्स फाइल वगैरह किया है कि नहीं किया है। आपको बोला कि 50 लाख की डिमांड आ गई, आपने 3 लाख की आपकी सैलरी है, कहां से आ जाएगी इतने की डिमांड? तो कुछ भी ऑथेंटिसिटी जांच करें। अगर ज्यादा लग रहा है तो इनकम टैक्स की ऑफिस में जाके जांच कर लें, बट कभी भी इस तरीके से पैसे ट्रांसफर ना करें। वो आपको जरूर इस तरीके से बोलेंगे कि आज करना है, नहीं तो आपकी ब्लॉक हो जाएगी या फिर आपके पैसे चले जाएंगे, सारे अकाउंट विड्रॉ हो जाएंगे, आपके अगेंस्ट पे केस रजिस्टर हो जाएगा। बट इन सब चीजों को जब तक आप ऑथेंटिसिटी वेरीफाई नहीं करेंगे, आप उनको कभी भी पैसे ट्रांसफर ना करें या पर्सनल डिटेल नहीं दें या ओटीपी नहीं दें। आजकल जो एक तरीका चला है सेल्स प्लेटफॉर्म का, जैसे आप कोई भी जो सेकेंड हैंड यूज्ड आप सामान जो बेचते हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म पे बेचते हैं, तो क्या होता है कि आपको एक इंडिया की सबसे क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन जो है डिफेंस इंस्टीट्यूशन, उसकी वर्दी पहना हुआ कोई एक फोटो शेयर कर देगा। वो हो सकता है कि फोटो एक्चुअली में सही हो, लेकिन वो उस आदमी को बिलोंग नहीं कर रही होती जो क्लेम करता है कि मैं वो हूं। से मान लीजिए मैं बोलता हूं कि मैं एक कैप्टन हूं, तो मैं एक कैप्टन की फोटो लगा ली अपनी डीपी पे और मैंने उसको बोल दिया। इससे क्या होता है कि सामने वाले को जब भी आप डिफेंस का नाम सुनते हैं तो आपके मन में एक इज्जत होती है, एक प्रतिष्ठा होती है, उसको यूटिलाइज करके आजकल फ्रॉडस्टर कुछ फ्रॉड कर रहे हैं। तो आपको किसी भी मतलब एक फैसिनेटिंग, मतलब जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, उस तरीके के आपको इम्पर्सनेट करके आपको बोलेंगे कि मैं आपसे ये सामान खरीदना चाहता हूं, मैं आपको एडवांस भेजना चाहता हूं। एडवांस भेजने के लिए वो बोलेंगे मैं 5,000 आपको भेज रहा हूं, आप बस इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, आपके पास पैसे आ जाएंगे। और उसके लिए क्या होगा, आप जब भी उसे स्कैन करेंगे तो और आप जैसे ही आप बोलेगा आपको पिन डालने के लिए, आप पिन डालेंगे, आपके पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। प्लीज याद रखिए, कभी भी पैसे मंगाने के लिए आपको कोई भी QR कोड स्कैन नहीं करना होता, कोई भी अपना पिन नहीं डालनी होती, पैसे भेजने के लिए ये करना होता है। तो ये एक तरीका है। आजकल एक नया तरीका और भी निकला है। से मान लीजिए मैं रिसेंटली AC सर्च कर रहा था, एक AC थी, उसकी कॉस्टिंग थी 54,000 रुपीज, बट एक वेबसाइट का मैं नाम नहीं लूंगा, वो आप जैसे ही गूगल करेंगे उस वेबसाइट का नाम आ जाएगा, उसमें दिखती है वो कि ये जो है AC आपको 22,000 में मिल जाएगा। सिंस उनका एड्रेस दिल्ली का था तो मैं उस एड्रेस पे वेरीफाई किया तो वहां पे इस तरीके का कोई भी सेलर नहीं है, बट इसमें कई सारे लोग फंस जाएंगे और उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देंगे और इस तरीके से फ्रॉड का शिकार बन जाएंगे। आप जेन्युइनली सोचो, अगर कोई 54,000 की AC आपको 17,000 या 22,000 में दे रहा है तो वो ऑफकोर्स फ्रॉड है, अनलेस उसने खुद से ना बनाया हो, तभी तो उसकी कॉस्टिंग कम आएगी ना, या फिर वो सेकेंड हैंड दे रहा है। तो अगर वो फर्स्ट हैंड बोल के सेकेंड हैंड दे रहा है तो भी फ्रॉड है, अगर उसने खुद से बनाई है तो कर रहा है तो वो आपको वैसे ही मालूम चलेगा क्योंकि सारी ब्रांडेड होती है। तीसरी तो संभावना है कि वो फ्रॉड ही हो। तो वैसे भी जो भी ऑनलाइन आप ट्रांजेक्शन करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी वेरीफाई कर ले। कभी कभी आप देखेंगे बिग बिलियन डे करके फ्लिपकार्ट का लॉगो लग के एक आएगा, जिसपे आप क्लिक करेंगे तो वो अदर वेबसाइट पे लेके जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है, ये सारी चीजें आपको सेल्स प्लेटफॉर्म के थ्रू हो रही है। तो इससे कैसे बचे, तो ऑथेंटिसिटी आपको जांचनी पड़ेगी। प्लस याद रखें कि कभी भी आपको UPI पिन नहीं डालना होता जब आप पैसे मंगा रहे होते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है। आजकल कि बच्चों को लेके कुछ फ्रॉड्स बच रहे हैं, इसलिए क्योंकि बच्चों को गेम खेलने की आदत होती है, तो वो क्या करते हैं, धड़ाधड़ कोई भी गेम आया डाउनलोड करना शुरू कर देते हैं, या अनऑथराइज्ड ऐप, जो मतलब कुछ मैलिशियस ऐप आप डाउनलोड कर लेते हैं फोन में, जिसकी क्रेडेंशियल पे सवाल होते हैं, तो उस टाइप की ऐप आपके मोबाइल में कुछ एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देती है जिससे आपकी मोबाइल की वो मिररिंग कर सकते हैं जो फ्रॉडस्टर होते हैं। तो जब भी आप गेमिंग डाउनलोड करें या कोई भी ऐप डाउनलोड करें, उसके रिव्यू जरूर देखें और उसकी नंबर ऑफ डाउनलोड्स देखें, उसके रिव्यू जरूर पढ़ लें कितनी रेटिंग है,
वो पढ़ने के बाद ही आप जब ऑथेंटिसिटी वेरीफाई कर लें तभी आप उस ऐप को डाउनलोड करें जो आपको पता नहीं है। अब इससे मान लीजिए मुझे एक फेसबुक का ऐप डाउनलोड करना है, तो मुझे पता है फेसबुक एक क्रीडेंशियल कंपनी है, उसके ऐप में डाउनलोड कर सकता हूँ। बट मुझे किसी ऐसे ऐप को डाउनलोड करना है जिसकी कोई मार्केट में नाम नहीं है और ऑथेंटिसिटी नहीं है, तो मैं उसे डाउनलोड करने से पहले दो बार जरूर सोचूंगा। इसमें एक अलग तरीके का और प्रोडक्ट है स्क्रीन मिररिंग ऐप का। आप आजकल जब से लॉकडाउन भरा है तो स्क्रीन मिररिंग ऐप का बहुत ही क्रेज चला है कि सब लोग स्क्रीन मिररिंग की ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, तो स्क्रीन मिररिंग की ऐप में भी आपकी जो सर्विस प्रोवाइडर है उसकी ऑथेंटिसिटी जरूर जांचनी है कि वो कहीं डेटा लीक तो नहीं कर रही है आपकी और वो क्रेडेबल है या नहीं है। एक होती है एटीएम कार्ड स्कीमिंग, ये तो मैनुअल होता है। जैसे मान लीजिए एटीएम कार्ड में जहां कार्ड देते हैं फ्रॉडस्टर वहां पे एक मशीन लगा देते हैं, वहां मशीन लगाने के बाद वो एटीएम की क्लोनिंग कर लेते हैं और उसके बाद फिर आपके पैसे निकाल लेते हैं, तो ये एटीएम कार्ड स्कीमिंग है। इसके लिए जब भी आप एटीएम में जाएं तो एक बार कम से कम जो जहां पे आप कार्ड इंसर्ट करते हैं वहां एक बार हाथ लगा के जरूर देख लें कि वो निकलता तो नहीं है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी इस फ्रॉड से बचने के लिए। अब एक नए तरीके का और फ्रॉड है सिम क्लोनिंग का। देखिए आपके मॉडस ऑपरेंडी चाहे कुछ भी हो जाए अल्टीमेटली आपको आएगा या तो आप ओटीपी बताइए, सीवीवी बताइए, या आप पैसे भेजिए, या आप अपने पर्सनल डिटेल दीजिए। ये तीन ही वे है जिसके थ्रू आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो सकते हैं। तो आपको अल्टीमेटली अगर मान लीजिए लिंक पे आपने क्लिक कर भी दिया तो प्लीज आप अपने डिटेल जो है वो शेयर मत कीजिए। कई सारे ऐसे मैलिशियस ऐप होते हैं जिसके लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपके फोन में या फिर लैपटॉप में जो है ऑटोमेटिक वो इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद वो आपके जो मोबाइल या फिर जो लैपटॉप है उसकी स्क्रीन मिररिंग किसी और को दे सकता है, उसका डेटा चोरी कर सकता है। अब सिम क्लोनिंग क्या है? देखिए सिम क्लोनिंग में एक तरीका तो मुझे जो अभी रिसेंटली अभी एक जो मालूम हुआ, से मान लीजिए आपकी एक बैंक अकाउंट है जिसमें आपका एक पुराना नंबर था जो बंद हो चुका है। अब आपको पता है कि अगर आपका मोबाइल नंबर कई दिनों से बंद है कुछ एक डेफिनेट टाइम के बाद वो किसी दूसरे को अलॉट कर दिया जाता है। इस केस में क्या होता है कि उस बैंक अकाउंट की जो नंबर है उसकी ओटीपी जारी होती है उस बंदे के पास में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये काम नहीं करना। सिम आपको बिल्कुल जो आपका एक्टिव सिम है वही आपके अकाउंट में होनी चाहिए और वही आपकी हर जो भी फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म है वहां पे वही नंबर होनी चाहिए जो आपके पास हो, किसी और का भी नंबर मत डाल दीजिए। इसी में एक और चीजें होती है, जैसे आप साइबर कैफे जाते हैं, आजकल ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग का चल रहा है तो लोग क्या करते हैं कि साइबर कैफे वाले को बोलते हैं मेरी ईमेल नहीं आप अपनी ईमेल डाल दो, तो वो ईमेल तो डाल देते हैं, वहीं पे आपके आधार कार्ड पैन कार्ड सब कुछ रखे होते हैं, स्कैन करके वो अपलोड करना होता है। तो जब भी आप ऐसा करें तो सबसे पहले तो वो डिलीट करवा लें और बैंक में जाने के बाद सबसे पहले अपना ईमेल आईडी चेंज करवा लें। एक तो ये बात, दूसरी अगर आपने साइबर कैफे यूज करा है खुद से अगर साइबर कैफे में जाके यूज करा है तो आप हिस्ट्री डिलीट कर दें और अपने डॉक्यूमेंट को डिलीट कर दें। सिम क्लोनिंग के और तरीके क्या हो सकते हैं? तो जैसे मान लीजिए आपको एक कॉल आता है, कभी कभी फ्रॉडस्टर क्या करते हैं आपके नंबर को क्लोन कर लेते हैं अपने सिम पे। इसके कई सारे तरीके हैं, जैसे अभी एक रिसेंटली मैंने सुना था कि एक आदमी को कॉल आया कि आपका जो सिम है वो 4G इसे 5G में कन्वर्ट करना है तो आप ओटीपी दे दो, तो इस तरीके से वो एक सिम क्लोनिंग हो जाती है। तो आप किसी भी केस में आप ओटीपी मत दीजिए और इस तरीके कॉल को अवॉइड कीजिए, इस पे बिलीव मत कीजिए, यही इससे बचने का तरीका है। इसके साथ ही एक जो अभी लेटेस्ट तरीका निकला है वो निकला है इंपर्सोनेशन का। मतलब क्या हुआ कि आपकी आईडी यूजर आईडी की जो प्रोफाइल पिक्चर है उसको डाउनलोड कर लिया फ्रॉडस्टर ने, अपनी एक उसी नाम से एक अकाउंट बनाया और आपसे पैसे मांगे। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, किसी को नंबर तक याद नहीं रहते, और क्या होता है आजकल तो बातें मोबाइल पे कम और सोशल मीडिया पे ज्यादा होती है। इसमें अगर आपके फ्रेंड का एक मैसेज आता है कि मुझे एक पैसे की जरूरत है तो आप उसे जाने अनजाने में भेज देते हैं, तो जब भी इस तरीके के पैसे की रिक्वेस्ट आए आप प्लीज कॉल करके कंफर्म कर लें कि वो आदमी सच में है या नहीं है, क्योंकि इस तरीके का फ्रॉड आजकल बहुत चले हैं। आपकी डीपी लगा के किसी दूसरे से पैसे मांग सकते हैं और वो मांगने के बाद फिर वो फ्रॉडस्टर अपना काम कर जाते हैं। तो इससे बचने के तरीके, सबसे पहले जहां से मैसेज आया है उसकी मैसेज हिस्ट्री चेक कर लें कि पहले बात हुई है कि नहीं हुई है। दूसरी चीज, आपको जो अगर मान लीजिए वो फ्रेंड लिस्ट में है या नहीं है तो आप एक बार चेक कर लीजिए कितने समय से मेरे फ्रेंड लिस्ट में है। दूसरी बात, एक बार कॉल करके जरूर पता कर लीजिए कि सच में उन्हें पैसे की जरूरत है या नहीं है। हमारे कुछ फ्रेंड बता रहे थे कि उनको कॉल आई थी कि एचआर कंसल्टेंट हैं और वो आप जॉब दिलाना चाहते हैं तो उसके लिए प्रोसेसिंग फी देनी होगी, लोन आपके अप्रूव हो चुके हैं आपको प्रोसेसिंग फी देनी है,
आपकी कॉलेज में एडमिशन हो गई है उसको अप्रूव करने के लिए कुछ लोन दीजिए। खासकर जब लड़के फॉरेन पढ़ने जाते हैं, जब भी कोई कैंडिडेट फॉरेन पढ़ने जाता है तो वो 10 से 12 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता है, तो जब भी वहां से ऑफर लेटर आए तो उसकी ऑथेंटिसिटी जरूर जांच कर लें। और जब भी आप जो एचआर कंसल्टेंट या फिर जो आप एडमिशन कंसल्टेंट को अगर चूज करते हैं उसकी भी ऑथेंटिसिटी पहले जांच लें कि वो सही है या नहीं है, नहीं तो आप फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं। अब इससे बचने के तरीके मैं साथ साथ बताते आया हूं कुछ और टिप्स। अपने एंटीवायरस को हमेशा अपडेट रखें, एंटीवायरस रखें मोबाइल में, मोबाइल में कभी भी पासवर्ड या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं रखें। उसके फ्री के वाईफाई जहां पे मिलती है, फ्री वाईफाई में आप अपना नेट बैंकिंग या फिर बैंकिंग सर्विसेज का यूज नहीं करें। किसी भी अननोन ऐप को अगर आपको ऐड करना हो तो थोड़ा सा सोच के उसकी ऑथेंटिसिटी जांच करने के बाद करें। इसके साथ ही आपके जो इंटरनेट ब्राउजर है उसमें इनकॉग्निटो मोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप जो लिंक है, लिंक मैं बता चुका हूं पहले कि उस पर आप कभी भी लिंक जब भी आप क्लिक करें तो पहले उसकी URL चेक कर ले, ऑथेंटिसिटी जांच कर ले, OTP या फिर आप इस तरीके की जो कस्टमर केयर से कहीं कॉल आती है तो उसको ध्यान से देखें, उसकी ऑथेंटिसिटी जांच कर ले। आपको अगर कस्टमर केयर का नंबर निकालना है तो गूगल से तो निकालें लेकिन ऑथराइज वेबसाइट से निकालें। ऐसा नहीं कि गूगल से सिर्फ जो नंबर मिला उसी पर डायल कर लिया, वो फ्रॉडस्टर का नंबर हो सकता है। इसके साथ ही ई कॉमर्स पे कुछ खरीदना है तो पहले उस वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी जांच कर लें। अगर कोई नया वेबसाइट जो आपके नॉन नहीं है अगर वो है तो उसकी ऑथेंटिसिटी जांच कर लें। उसके बाद अगर गवर्नमेंट की वेबसाइट है तो उसमें .gov.in होगी, ये चीजें आप ध्यान रखें। जब भी कोई पैसे आपसे मांगता है सोशल मीडिया के जरिए तो उसकी ऑथेंटिसिटी जरूर जांच कर लें। तो ये सारी चीजें देखिए मैंने पहले ही बताया कि फ्रॉड तीन ही तरीके से हो पाएगा, या तो आपकी पर्सनल डिटेल मांगी जाएगी या OTP CVV भी मांगी जाएगी या फिर आपको अकाउंट में पैसे भेजने के लिए बोला जाएगा। आप ये तीनों चीज अगर नहीं करेंगे तो आपके फ्रॉड से बचने की संभावना 90% बच जाएगी। अब मान लीजिए कि हो गया, ये गलती हो गई, फिर क्या करें, या जाने अनजाने में ऐसी चीजें हो गई, तो सबसे पहले जो एक वेबसाइट है cybercrime.gov.in इस पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1930 इस पे आप कॉल कर सकते हैं, ये 24 घंटे अवेलेबल है। इसके अलावा जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है जहां से पैसे गए हैं वहां पे आप जरूर कंप्लेन कीजिए। देखिए पैसे मिलने ना मिलने ये तो दूर की बात है, लेकिन कम से कम अगर आप उसे बैंक में कंप्लेन कर देंगे तो जिस भी रिस्पेक्टिव अकाउंट पर पैसे गए हैं वहां से तो निकाल ही चुका होगा वो पैसे, बट उस अकाउंट में होल्ड कर दिया जाएगा ताकि किसी दूसरे के पैसे उसमें बर्बाद ना हो। एक तो ये चीजें होंगी। दूसरी चीज ये होगी अगर आपकी गलती के बिना कोई फ्रॉड आपके साथ हो गया है तो बैंक आपको 100% पैसे रिफंड करेगी। अब उसकी प्रोसीजर ये है कि अगर आपको 3 वर्किंग डेज में, जैसे मान लीजिए आज फ्रॉड हुआ तो 3 वर्किंग डेज के अंदर अंदर मुझे कंप्लेन करने हैं। अगर आपने OTP नहीं बता दिया ये तो आपकी गलती है, आपने स्क्रीन रीडिंग यहाँ पे डाउनलोड कर ली आपकी गलती है। अगर इसके अलावा कोई फ्रॉड हो गया, जैसे मान लीजिए आपने ना तो किसी को ATM दिया ना ही पासवर्ड बताया लेकिन फिर भी आपके पैसे विड्रॉ हो गए, आजकल फ्रॉड्स पे बहुत ही तेज हो चुके हैं, तो इस केस में क्या होगा, बैंक आपको 10 दिन के अंदर अंदर शैडो क्रेडिट देगी, मतलब उतने अमाउंट का क्रेडिट दे देगी, फिर उस पर इन्वेस्टिगेशन चलेगा। जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी तो वो शैडो हटा ली जाएगी उससे, फिर वो आप यूज कर सकते हैं। मतलब अगर मान लीजिए आपसे 1 लाख का फ्रॉड हुआ है तो 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में इमीडिएटली 10 दिन के अंदर अंदर शैडो क्रेडिट दे दिया जाएगा, वो फंड आप यूज नहीं कर सकते जब तक कि इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती। दूसरी, अगर 3 से 7 वर्किंग डेज के अंदर में दिया है तो 25,000 रुपए तक तो बैंक नहीं देगी, इतना आपको बेयर करना पड़ेगा। अगर 25,000 के ऊपर का फ्रॉड है, मान लीजिए 30,000 का, तो 5,000 रुपए आपको हो सकता है मिल जाए। 7 दिन के ऊपर अगर बाद आपने कंप्लेन करी है तो फिर बैंक के ऊपर है, उसमें भी उसकी मैक्सिमम लायबिलिटी 10,000 रुपए आएगी, 10,000 से ज्यादा वो नहीं देगी। बट पैसे मिले या ना मिले आप बैंक को अगर इन्फॉर्म करेंगे, अब बैंक को आप फोन पे मत इन्फॉर्म करना, राइटिंग में इन्फॉर्म करके उनसे बचावता एक्नोलॉजमेंट लेना, ताकि कहीं अगर आपको प्रूव कर रहा हो तो प्रूव कर सके कि आपने बैंक में दिया है, बैंक की सिग्नेचर्स उसके स्टैंप के साथ लीजिएगा। तो इस तरीके से आपके पैसे भी वापस आ सकते हैं अगर आपकी गलती के बिना कोई आपका जो अकाउंट है उसमें फ्रॉड हुआ है। अब एक चीज और है, आजकल डेबिट कार्ड में वो वाईफाई इनेबल, क्रेडिट कार्ड में भी आती है वाईफाई इनेबल, अप टू 2,000 रुपीज आपका पेमेंट हो जाता है। आपको सर्विसेज अगर यूटिलिटी लगती है तो ठीक है, अदरवाइज इसे ऑफ करवा ले बैंक के पास जाके बोल के, ये ऑप्शन होती है। दूसरी, अगर आप इंटरनेशनल कभी ट्रेवल नहीं करते थे, क्यों इंटरनेशनल पेमेंट आपको एक्टिवेट करके रखनी है, इंटरनेशनल पेमेंट को डीएक्टिवेट कर ले। और इंटरनेशनल स्वैपिंग, मतलब दो तरीके होते हैं, एक स्वैपिंग, एक तो आपको
इंटरनेशनल जो ट्रांजेक्शन है, जैसे मान लीजिए वेबसाइट पे, वहां पे ओटीपी के थ्रू पेमेंट होती है, ये दोनों आप डिसेबल करवा के रख ले, तो इससे आप कई सारे फ्रॉड से बच सकेंगे। क्योंकि आजकल वो भी होता है कि आपकी जेब में पर्स रखे हुए, कोई डिवाइस लगा दिया, वो 2000 रुपीज आपके विड्रॉ हो गए। ऐसी मैंने वीडियो देखी है, आई डू नॉट क्लेम कि ऐसा होता होगा, बट ऐसी मैंने वीडियो यूट्यूब पे देखी है। तो हम रिस्क क्यों ले, हम उसे डिसेबल ही क्यों ना कर दें। थोड़ी सी और टाइम लगेगी एक पिन डालने की, बट आपका अकाउंट तो सेफ रहेगा। आई होप कि ये पूरी की पूरी वीडियो आपको समझ में आई है। अब साइबर कंप्लेन करते कैसे हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं फिर से आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं रितेश राज साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।